शौक पूरा कर लो। कमान कमान फाइट कम 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 मेरे ऊपर दोष मत लगाना। वीर, वीर, रुको, रुक जाओ। अगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये लो, ये लो, और भी लो। ये लो, ये लो, ये बच्चों। वाह, मारा। ये बच्चों। वो मारा। मजा आ गया। और मारो, और। अपनी पार्टी में ले जाने का टाइम आ गया है। बाय। क्या हुआ बच्चों? दादाजी, वीर के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और वीर ने सब चौपट कर दिया। वो उस कमरे में छुपा है, जाओ और पकड़ लो उसे। वीर, डर के छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो लाइट जलाओ। मैंने और चुलबुल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और तुम सब सामान खा गए। ओ नो, मुझे नहीं पता था तुमने पार्टी रखी है। वैसे मैंने कुछ नहीं खाया, ये जिंटू की शरारत होगी। लाइट जलाना फिर, अंधेरा क्यों है? ये क्या वीर? बॉस बॉस, वीर आ गया बॉस और मार खा रहा है बॉस। वो 10 सिर वाला इनविजिबल रोबोट कहाँ गया? पता नहीं बॉस, लगता है वो भी हार मान के भाग गया बॉस। रोबो बॉय, पीछे! अब क्या करोगे वीर? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अफसोस, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। छोड़ दो वीर को, छोड़ दो। थैंक यू रोबो बॉय। तुमसे कहा था ना घर जाओ, सुनती नहीं हो तुम। तुम्हें पहले घर छोड़ दूँ, फिर उसे देखता हूँ। अरे तुम क्या भला हो, कहाँ से आए हो? 10-10 मुँह को खिलाते खिलाते सब सामान खत्म हो गया। मैं गाँव जा रहा हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वीर, उसके 10 सिर हो या 20 सिर, कमांड सिस्टम एक ही जगह होगा। जहाँ हर सिर से वायर का कनेक्शन हो वो ही कमांड सेंटर होगा। ओके दादाजी, इमली अब वहाँ मत आना। Oh, my God.
wall on. अब इसको स्कैन करके देखा जाए कि इसके सरों का कमांड सेंटर कहाँ है। ओ, तो इसका कमांड सेंटर यहाँ है। शहर में दो आश्चर्यजनक विशाल लिजर्ड्स ने आतंक मचा रखी है। एक चाट की शौकीन लिजर्ड चाट खा रही है तो दूसरी रोबो बॉय से लड़ रही है। अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। ये दूसरी लिजर्ड कहाँ से आ गई? बंटी, इस बार अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ। ये लड़का भी ना बस ऐसे ही परेशान करता रहता है। हाँ। इमली, चिंटू को ढूंढो। बंटी वीर को ले गया है और कैकी के घर में बंद करके रखा है, वो उसे एक्सपोज कर देगा। चिंटू जल्दी चलो, वीर का राज खुलने वाला है। उसे बंटी ने पकड़ के कैकी के घर रखा है। तुम कौन हो? भूल गया। तो मैं हूँ, मेरे दोस्त बंटी ने बताया था।
मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। चिंटू, तुम्हारे सर पे मकड़ी गिर गई है, मैं उसे एक टपली मार के भगा देता हूँ। वो तो तुम्हारे सिर पे है। हटो हटो भागो। इमली जल्दी करो, बंटी के मम्मी पापा कैकी के घर पर पहुंच गए हैं। सॉरी चिंटू, इट्स इमरजेंसी। ओ इमली, मैं यहाँ कैसे आया, क्या हो रहा है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, तुम्हारे बदन की सब मिट्टी साफ हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। अरे इमली, हम सब इस रूम में क्या कर रहे हैं? शुक्र है तुम ठीक हो गए। सुनो, अब तुम लोग जरा बाहर जाओ और देखो मेरी एक्टिंग। आंटी अंकल, बंटी केकी फेकी मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए और बंद कर दिया। बंटी बहुत खराब है। मत रो बेटा, मत रो। जमीन पे खड़े होके नहीं लड़ सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। पहले रेड बटन दबाता हूँ और उसकी बिजली की पावर खत्म करता हूँ। अब इसे ऑफ करने का ग्रीन बटन, फिर मैं और तुम बचेंगे टिम्बकटू। जल्दी जाओ, चिंटू को किसी भी तरह मना के ले आओ। चल।
ठीक है। उठो मुझ पर से, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। मेरी वाइफ का पीछा छोड़ो। अच्छा तो रुको, तुम्हारे पीछे पड़ जाती हूँ। भागो! जल्दी चलो, वीर खतरे में है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब देखो वीर दूसरों की ही सोचता है, मेरी नहीं सोचता। लोगों को क्या अच्छा लगेगा यही सोचता है, मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं सोचता। ये झूठ है जिंटू, वीर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारा मालिक है लेकिन दोस्त की तरह पेश आता है, कभी तुम्हें ऑर्डर नहीं करता, प्यार करता है। दुनिया में सबको जादू नहीं दिखा सकते, लोग फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सब लोग तुमको पाने के लिए लड़ने लगेंगे। तुम्हारी वजह से वीर खतरे में है, तुम उसके कैसे दोस्त हो? शर्म आनी चाहिए, अपने ही दोस्त को मुसीबत में डाल दिया। वीर जैसा दोस्त चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। जब देखो उसे मुसीबत में डालते रहते हो, वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता है। उप्स, सॉरी इमली, सॉरी तुम्हें इस रूप में कभी नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी। चिंटू, सॉरी सॉरी करने से काम नहीं चलेगा, अब चलो वहाँ। ए बच्चन लोग, अरे हमारे पैसे तो दे दो भाई।